हेलो। हेलो, देखिए, सपोज दैट द डिमांड और द टोटल कॉस्ट फंक्शन इन अ मोनोपोलिस्टिक आर द पी इक्वल्स टू दिस एंड एक्स इक्वल्स टू दिस। ठीक है, टैक्स टी पर यूनिट लग गया, तो मेरे पास में कॉस्ट फंक्शन क्या होगा? कॉस्ट फंक्शन मेरे पास में 4x, लेकिन टैक्स लगने के बाद ऐड होगा। तो टैक्स लगने के बाद मेरा टी लगा पर यूनिट पर, टी लगा पर यूनिट पे और यूनिट कितनी है? एक्स। तो टी एक्स का मेरे पास में टैक्स आ गया, कॉस्ट फंक्शन आ गया। रेवेन्यू फंक्शन निकालूंगा अगर मैं, टोटल कॉस्ट हो गया, टोटल रेवेन्यू की मैं बात करता हूं तो वो होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो टोटल रेवेन्यू के लिए बच्चे प्राइस मेरे पास में क्या रहने वाला है? प्राइस मेरे पास में 20 माइनस 4x है और क्वांटिटी क्या आप अच्छे जानते हैं? एक्स है। तो टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू 20 माइनस 4x स्क्वायर। अब यहां पर बात करते हैं अपने प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट के केसेस में 20 माइनस 4x स्क्वायर रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, कॉस्ट क्या है मेरे पास में? 4x प्लस tx, दिस वन। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू 20 माइनस 4x स्क्वायर एंड -4x एंड -tx। आगे सॉल्व करते हैं डेरिवेटिव। आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो जिसका मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं तो उसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है आपको। तो आप डेरिवेटिव लेंगे किसका? प्रॉफिट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स। आगे सॉल्व करते हैं आप, तो आपके पास में कॉन्स्टेंट नंबर तो 0 हो जाएगा, ये आपका जाता है -8x, ये माइनस हो जाता है आपके पास में 4, और ये टी एक्स में सिर्फ कॉन्स्टेंट नंबर रह जाएगा, मतलब कि -t। और जिसको आप क्या करने वाले हैं, डेरिवेटिव लेने के बाद आप इसको 0 के इक्वल पुट करने वाले हैं। तो सॉल्व करेंगे -8x इक्वल्स टू -4 प्लस t, दिस वन। माइनस से माइनस कैंसिल, इन एक्स इक्वल्स टू 4 प्लस t अपॉन 8, दिस वन। आपके पास में क्या आ गया? आपके पास में एक्स की वैल्यू आ गई। क्लियर है? एंड प्राइस फंक्शन के आपके पास क्लियर है बच्चे? तो क्वांटिटी आपके पास में 4 प्लस t आ गया। एक मिनट वेट करो। क्लियर है बच्चों? नहीं यार, आप वीडियो को बच्चे प्लीज पीछे करके स्टार्टिंग से चला लो, आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। टीआर में प्रॉब्लम आई है। ट्वेंटी एक्स माइनस 4x स्क्वायर, -16x -4x² एंड -tx। डेरिवेटिव लेंगे dp विद रिस्पेक्ट टू dx। तो आपके पास में बच्चे 16x का 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा -8x और ये हो जाएगा -t इक्वल्स टू 0। एंड 16 इक्वल्स टू, आपके पास में माइनस का साइन कॉमन आ जाएगा, तो 8x, या फिर x की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो -8x -8x इक्वल्स टू -16 एंड +t हो जाएगा। तो -8x, यहां पर माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो 16 -t हो जाएगा, कट गया। एंड x इक्वल्स टू 16 -t अपॉन में 8 आ जाएगा, ये x की वैल्यू आएगी। क्लियर है बच्चे?
एक्स इक्वल टू 16 माइनस टी अपॉन 8, क्लियर है। प्राइस भी टी के फॉर्म में आएगा आपका, आपका क्वांटिटी भी टी के फॉर्म वेरिएबल में आएगा, प्राइस भी टी के वेरिएबल में आएगा। तो बस इसमें यही करना था और कुछ आपको करना है नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है आज की क्लासेस में हमने कैलकुलस को पूरी तरीके से वाइंड अप कर दिया है, और नेक्स्ट क्लासेस में हम कैलकुलस टू पे आ जाएंगे। इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन से, फिर प्रोडक्शन फंक्शन पे आ जाएंगे, थ्री फेसिस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये सारी बातें हैं जो कि हम अगली क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे, और आपका कैलकुलस टू, फिर उसमें हम इंटीग्रेशन के ऊपर बात करेंगे जो कि कैलकुलस टू पे ही बात करेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन पहले हमारा आएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन जिसके अंदर हम प्रोडक्शन फंक्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद हमारे पास में आएगा एडवांस कैलकुलस जिसके अंदर हम इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। पर ट्रिग्नोमेट्री ये सारी चीजें नहीं है आपके सेमेस्टर में, तो उसकी आप बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। क्लियर है बच्चे? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तो उम्मीद करता हूं कि मैं दिवाली से पहले पहले आप लोगों के कोर्सेस में, अगर मैं दिवाली से पहले तो नहीं बट फिर भी मैं 20 नवंबर तक पूरी कोशिश रहेगी, 20-22 नवंबर तक, कि आपके सिलेबस को मैं वाइंड अप कर दूंगा। 1 महीने पहले या 20 दिन पहले आपका कोर्स खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है? 10 ईयर से प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस की आप, और जो प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। मैट्रिक्स हो चुका, लीनियर प्रोग्रामिंग हो चुका, और क्लियर है बच्चे? तो आप कैसे पढ़ेंगे? 10 ईयर ले लीजिए बच्चे, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है प्रैक्टिस के लिए। शिवदास का लेना है आपको 10 ईयर। कैलकुलस आपका जो है हो गया है फर्स्ट, और इसके जितने भी क्वेश्चंस आपके 10 ईयर से आते हैं पीछे एक्सरसाइज उसमें मत जाना, प्रीवियस क्वेश्चन में 10 ईयर में आप स्टार्टिंग में जब आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं उस पे जाना, वो सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ठीक है, एग्जाम टाइम में हम पढ़ेंगे लास्ट के 5 साल के लिस्ट क्वेश्चन, पर फिलहाल अभी प्रैक्टिस के लिए ये करो आप। 10 ईयर मार्केट में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं, आ गई है मार्केट में। दूसरी बात की बात, बहुत सारे बच्चे मुझसे बार बार पूछते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपकी बहुत सारी पोस्ट आती है। एक अकाउंटेंट असिस्टेंट की पोस्ट आती है, आपके एक अकाउंटेंट ऑडिटर ऑफिसर की पोस्ट आती है जो ऑडिट ऑफिसर होता है, सीएसए, काफी अच्छा बड़ा इसका जो है लेवल रहता है, मतलब कि अकाउंटेंसी और वो सब पेपर में नहीं आता है। पेपर में जो आता है मैं आपको बता देता हूँ क्या आता है, बट लेकिन सीएसए एक बड़ी पोस्ट है, ये अकाउंटेंट ऑडिटर ऑफिसर काफी बड़ी पोस्ट है, बहुत बड़ी पोस्ट है। सीएसए गवर्नमेंट जॉब के अंदर आता है, सीजीएल के अंदर आते हैं सारे पोस्ट, और आपके पास है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर आ गया। अगर गवर्नमेंट जो ये सब सीजीएल के अंदर ही आते हैं बच्चे, हाँ, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब का इंटरेस्ट और साथ में चाहते हैं आप वर्दी यूनिफॉर्म हो, तो आपके पास में इसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, अब जिसको जीएसटी इंस्पेक्टर भी कहते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर, क्लियर है, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, ये कुछ पोस्ट है, तो ये भी आपको मिलेगा। ये भी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पे आता है, एक ही जॉब निकलती है, एक ही फॉर्म भरना होता है, डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स क्या आए हैं उसके हिसाब से आपको जॉब दे दी जाती है, डिपेंड करता है कि आपके प्रेफरेंसेस में कौन से जॉब है उसको देखते हुए जॉब दी जाती है। तो सबके अलग अलग फॉर्म नहीं निकलते हैं, सबके अलग अलग पेपर नहीं होते हैं, सबका कॉमन पेपर होता है। आपका कॉमन पेपर होता है आपके पास में एक मैथ्स हो गया, एक रीजनिंग हो गया, इंग्लिश मैथ्स, ये नहीं है जो आप पढ़ रहे हो कॉलेज में, ये मैथ्स नहीं है, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जीएस,
ये, और आपके पास में कंप्यूटर का सब्जेक्ट हो गया। और मैं इस बात से ना बहुत हैरान हूं, किस बात से, मैंने कुछ बच्चों ने ना कोर्स लिया था, एक दो बच्चों ने मुझसे, आप में से जो ग्रेजुएट हैं, और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि SRCC के हैं और इंग्लिश मीडियम के हैं, जिसकी इंग्लिश की कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी है, कुछ बच्चे ऐसे हैं आप में से। मैंने उन बच्चों से रैंडमली एक बार, जिन्होंने कोर्स लिया था, तो मेरे फोन पर उनसे बात हुई, तो मैंने एक बार कहा कि काम कीजिए, और मुझे इंग्लिश का मैंने टेस्ट बताया था कि यहाँ से आपको 2023 का भी CGL का एग्जाम हुआ, तो उसका इंग्लिश का पेपर मैंने प्रोवाइड करवाया, मैंने इसका टेस्ट देकर जरा मुझे भेजो, तो उन्होंने इसका टेस्ट देकर भेजा, तो मैं बड़ा हैरान हो गया, कोई तैयारी शुरू भी नहीं करी उन्होंने, बेसिक पेपर होता है, तो इंग्लिश में उन्होंने कितने स्कोर मार दिया, उन्होंने 44 स्कोर मार दिया, रीजनिंग के अंदर एक महीने की प्रिपरेशन में 40-45 स्कोर, 50-50 नंबर का होता है, 200 नंबर का पूरा पेपर, अगर आप 150 अगर आपके उसके आसपास पहुंच जाते हो तो आप एक गवर्नमेंट जॉब मटेरियल हो, लेकिन 90 नंबर तो आपका ये है कि ऑटोमेटिक जनरेट रहता है, मैथ्स में मेरा सिलेबस है वो आपको आराम से 45-46 से पहुंचा देगा, कंप्यूटर आपके पास में फ्री के मार्क्स रहते हैं, तो ये सारी चीजें रहती हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने एक बैचेस जो है वो स्टार्ट करा है आपका, और साथ साथ इसके साथ साथ में बैंक भी कवर होगा आपका, ठीक है बच्चे, साथ साथ क्या होगा आपका बैंक भी कवर होगा, और बड़े कोई वो ऐसा है नहीं कि बहुत महंगा है लेना लें, ऐसा कुछ नहीं है, भैया आप लें तब भी ठीक है, नहीं लें तब भी ठीक है, कारण क्या है कि मुझे तो उससे कुछ फायदा होने वाला है नहीं, मैं फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, 249 रुपीज ये आपके पास कोर्स का प्राइस है, अभी गांधी जयंती का ऑफर निकाला हुआ है, उसको आप ले लीजिएगा, सब्जेक्ट आपके मैथ्स और रीजनिंग कवर होंगे, इंग्लिश वगैरह में मैं गाइड कर दूंगा, अगर टीचर अवेलेबल होंगे तो वो प्रोवाइड करवा दूंगा, तो ये आपके पास में सारे चैप्टर अच्छे से शॉर्टकट ट्रिक से करवाए जाएंगे, जिसमें कि 3 सेकंड के अंदर आप कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, सारे ट्रिक्स में मैथ्स के अंदर दूंगा चैप्टर। और खास बात ये कि अभी आप जो है थर्ड सेमेस्टर में है, तो अभी आप ग्रेजुएट भी होंगे और उसके बाद फिर पेपर देंगे, तो आपके लिए 2 साल प्लस के आसपास की मैं वैलिडिटी रख दूंगा, ताकि आप ग्रेजुएशन के बाद भी आप पढ़ पाए, जिस दिन कोर्स लेंगे उस दिन सारा सारे लेक्चर आपको मैथ्स एंड रीजनिंग रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको फोल्डर मिल जाएगा, ताकि आपके कोई पेपर और हो, CHSL हो, 12th लेवल पर हो, आप वो भी दे सकते हो, लेकिन मैं आपको लाइव क्लासेस भी साथ साथ एज वेल एज कंटिन्यू देता रहूंगा हर दिन मॉर्निंग में, वो आपकी इच्छा है आप ज्वाइन करते हैं या नहीं करते, बट रिकॉर्डेड एक फोल्डर दे दूंगा। अब लाइव कोर्स में 10 महीने में होगा, मैं दोबारा लाइव शुरू हो जाऊंगा, आपको दोबारा लाइव फिर मिलते रहेंगे सारे, तो आपके 2 साल के अंदर कितनी बार आप लाइव क्लासेस लेने आपके पास मौका रहेगा, बहुत अच्छा चांस आपके पास है, 249 सभी गवर्नमेंट जॉब इसमें कवर होंगे, क्लियर है। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर होगा, एडवांस कैलकुलस होगा, पहले हम पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लासेस में, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।